कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये शुरू किया कि इस शहर में गुंडागर्दी और गुरुवार वार्ड के लोगों को मनसियात की आदत और मनसियात का कारोबार करने वाला मालेगांव शहर का एक ही लड़का है, आसिफ शेख का चचेरा भाई एहसान। और उस पर मैंने जैसे ही बोला कि ये खुद नशेड़ी है, नशेड़ी लोगों की टोली लेके चलता है, और उसके बाद इसके ऊपर कई FIR है और गुरुवार वार्ड में आकर गुंडागर्दी करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाम ने वोट नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों की क़यादत नहीं होना चाहिए। मेरी तकरीर का मौजू ये चल रहा था, अचानक एक नौजवान, मेरा ऐसा अंदाज है कि 2-4-5 गोली खा के आया होगा, वो स्टेज की तरफ शान की तरफ बढ़ने लगा। मैं तकरीर में उसको सोचा कि थोड़ा सी नज़रअंदाज करूं, मगर जब वो आगे बढ़ने लगा तो शान उठी और शायद उसको कोई बात बोली। उसके बाद कुछ लोग उसको ले गए, वो गली से निकला, फिर 2-4-5 लोगों को ले कर गली के अंदर आया। इस पूरे मामले में हमारा परमिशन भी था, सब कुछ था, मगर वहाँ एक भी पुलिस मौजूद नहीं थी। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि कई बड़े लीडरान आए थे, आज उद्धव ठाकरे भी आया था, पुलिस उसमें मसरूफ रही होंगी, मगर हमारा ये बोलना है कि एक लेडीज़, एक लड़की उम्मीदवारी कर रही है 2024 के इलेक्शन में, पढ़ी लिखी लड़की, उसकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर उस सभा में कोई ना कोई पुलिस वालों का रहना ज़रूरी था। पुलिस के नहीं रहने की वजह से हमने यहाँ आकर धरना दिया और FIR की बात की। आज शहर में ऐसा हो गया कि आसिफ शेख को पुलिस जो है सिक्योरिटी देती है, वो सिक्योरिटी के साथ चलता है, गुंडों की टोली लेके चलता है, नशेड़ियों की टोली लेके चलता है। तो इस शहर में ऐसा हो गया है कि अजीत पवार जो है, अजीत पवार के बोलने पे ही पुलिस सब कुछ करेंगी क्या? यानी आज अजीत पवार का ऐसा दबदबा और ऐसा वो हो गया है कि वो आसिफ शेख अगर बोलता है कि इसको तड़ी पार करो, उसको तड़ी पार करो, तो वो भी बात मान ली जा रही है। उसके भाई भतीजे मुसलसल गुंडागर्दी शहर में कर रहे हैं, एक खातून उम्मीदवार के आंग पर आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग अगर इस शहर में क़यादत करेंगे और पुलिस जो है उनको सिक्योरिटी देंगी, मेरा तो ये मुतालबा है कि सबसे पहले आसिफ शेख की सिक्योरिटी हटाना चाहिए। वो गुंडागर्दी करता, नशेड़ी लोगों को लेकर घूमता और ऐसे उम्मीदवार को सिक्योरिटी दी जा रही है। हम इसके खिलाफ थे, पुलिस ने हमारी FIR लिख ली और उसको गिरफ्तार करने की बात बोली है। हमारा जलसा आखिरी जलसा, निहाल साहब का आखिरी जलसा, तारीखी जलसा रहा करता है, आखिरी जलसा हमारा ख्याबान निषाद चौक पर है, और उस जलसे से पहले पुलिस गिरफ्तार नहीं करी तो हमको मजबूरी में उस जलसे में कोई तहरीकी ऐलान करना पड़ेगा, भले ही इलेक्शन चल रहा हो। मुझे उसका नाम नहीं पता था, मुझे जो आज़ाद नगर के जो लोग थे हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने जो नाम बताया, मुशरिफ ड्राइवर, गली नंबर 7, आज़ाद नगर, और उसके साथ 2-3 जो लोग थे, मैंने इतना नाम बोला है।